वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आपके कई सारे कमेंट्स थे कम से कम निवेश में फायदेमंद बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आज मैं एक ऐसी प्लेस पर आ चुका हूं जहां से आप सीखेंगे कि किस तरह से लो कॉस्ट में प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और क्या प्रोसेस होगी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इवन आप जुड़ पाएंगे इस काम से और अपने घर से शुरू कर सकते हैं इस काम को आप, और आज का वीडियो देखने से आप एक सर्टिफिकेट को भी अचीव कर पाएंगे। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी स्वच्छ हर्बल के ऑफिस में हूं जहां मेरे साथ हैं डॉक्टर अक्षय शर्मा जो स्वच्छ हर्बल के निर्माता हैं, जो हमें बताएंगे स्वच्छ हर्बल के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसे किस तरह से बनाया जाता है, इस पूरी प्रोसेस के बारे में हमें ध्यान से समझाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस काम को शुरू करने के लिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो भी हमें पूरे विस्तार से समझाएंगे, और आप किस तरह से इस काम से जुड़ सकते हैं वो प्रोसेस भी अभी हम सर से समझने वाले हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आप बताएं इस चीज के बारे में कि किस तरह से, क्या है स्वच्छ हर्बल और किस तरह से हम जुड़ सकते हैं इस काम से। स्वच्छ हर्बल हमारी कंपनी का नाम है जिसमें हम क्लीनिंग हाइजीन के 9 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। हमने सारे प्रोडक्ट इस तरीके से बनाए हैं कि जिसमें हैजार्डियस प्रोडक्ट्स का यूज कम से कम हो, क्योंकि हमने अपनी कंपनी का नाम स्वच्छ हर्बल रखा है और हम सभी प्रोडक्ट को हर्बल में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जैसे हमारा हैंड वॉश हर्बल की कैटेगरी में आता है, हर्बल है, और सबसे मेजर प्रोडक्ट जो होता है हैजार्डियस होता है टॉयलेट क्लीनर, तो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनिक टॉयलेट क्लीनर जिसको हम हर्बल बोल सकते हैं वो डेवलप किया है। और जो मित्र, जो भी दोस्त, जो भी श्रोतागण इसको देख रहे हैं, अगर वो इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो हमारी कंपनी उनकी भी इसमें मदद करती है। आप बहुत छोटे स्केल से अपने घर से इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। इसको हम रेसिडेंशियल एरिया में अपने घर से विदाउट किसी परेशानी, विदाउट किसी परमिशन के भी चालू कर सकते हैं। जो अभी डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो क्या चाहिए और क्यों चाहिए। क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले आता है फॉर्मूला, रॉ मटेरियल, तब जाके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो पाती है। इस समस्या का समाधान हमारी कंपनी लेके आई है। हम आपके लिए सभी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेट लेके आए हैं। कॉन्सेंट्रेट का कंसेप्ट क्या होता है, आपने हमसे कॉन्सेंट्रेट लिया, उसको डाइल्यूट किया और अपने घर पे विदाउट किसी प्रॉब्लम के, विदाउट बहुत सारे रॉ मटेरियल खरीदे, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। जैसे सपोज हमें हैंड वॉश बनाना है तो हैंड वॉश में हम लोग 8 से 10 इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। अब आप सारे नहीं खरीद पा रहे हैं, इस कारण से आपका हैंड वॉश अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप हमारा कॉन्सेंट्रेट लेते हैं तो हमारे कॉन्सेंट्रेट से, 1 किलो कॉन्सेंट्रेट से लगभग 10 लीटर बहुत अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश बनता है। ये डायल्यूशन रेशियो अभी तक इंडिया में सबसे हायर डायल्यूशन रेशियो, इस 10 की जगह आप 11 और 12 भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम डायल्यूशन रेशियो थोड़ा इंक्रीज करते हैं हमारी क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाता है। हमारे 1 kg कॉन्सेंट्रेट से आप अपने घर पर विदाउट, बिना किसी परेशानी के लगभग 30 से 35 लीटर फ्लोर क्लीनर बना सकते हैं। व्हाइट फ्लोर क्लीनर, व्हाइट फिनाइल सभी लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आजकल डिमांड है लोगों की, थोड़ा सा गाढ़ा व्हाइट फिनाइल होना चाहिए, हमने इस पे वर्किंग की। हमारे 1 kg कॉन्सेंट्रेट से आप मिनिमम 40 और मैक्सिमम 50 किलो व्हाइट फिनाइल बना सकते हैं। सर ये बताएं कि कितने लो कॉस्ट में इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, मिनिमम कॉस्ट बताएं। मिनिमम कॉस्ट डिपेंड करता है कुछ प्रोडक्ट पे भी, अगर आप पर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सी पैकिंग, सुंदर सी बॉटल, सब कुछ मिला के लगभग 20 से 25 हजार रुपए में हमारा एक प्रोडक्ट शुरू हो सकता है। इसके बाद वाले प्रोडक्ट में हमारा कुछ खर्चा कम होता जाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा पार्ट है वो सिर्फ एक बार होगा। फ्रेंड्स हम 20,000 में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली, और धीरे धीरे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। सर क्या स्टेप्स होती हैं इस प्रोडक्ट को बनाने की, वो आप बताएं, जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अगर वो घर पे बनाना चाहें इस प्रोडक्ट को तो किस तरह से बना सकते हैं, वो स्टेप आप फिजिकली एक बार बताएं। बिल्कुल।
अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैन्युअली आप इस तरीके के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। सर आप बताएं कि क्या क्या स्टेप्स होती हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारी कंपनी स्वच्छ सर्वल सभी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड करती है। कॉन्सेंट्रेट से मटेरियल बनाना कितना ईजी होता है और कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम आपको डिश वॉश बनाना दिखा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला रनिंग आइटम होता है। हम 100 ग्राम डिश वॉश का कॉन्सेंट्रेट, हमारा कॉन्सेंट्रेट इस टाइप का आता है, हम 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट लेते हैं। बाकी जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो बड़ा बैच आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको 100 ग्राम से बना के दिखा रहा हूँ। 1 kg कॉन्सेंट्रेट से आप लगभग 11.5-12 लीटर डिश वॉश रेडी होता है। दोस्तों ये मैंने 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट लिया। मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम 1 किलो से 12 किलो बनता है, 11 किलो बनता है। उसी हिसाब से हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप वाटर मिक्स किया। वाटर मिक्स करते हमें जाना है। अभी हमने 100 ग्राम वाटर मिक्स किया, फिर हम 200 ग्राम वाटर मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमको इसके अंदर 800 ग्राम वाटर मिक्स करना है। 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट था, टोटल 900 ग्राम हो जाएगा। मिक्सिंग में थोड़ा समय लगता है और वीडियो में हम उतना पूरा नहीं दिखा सकते। एक हम स्मॉल पार्ट बना के दिखा रहे हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम वाटर और कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मिक्सिंग थोड़ी सी प्रॉपरली हमें करते जाना है। जैसे ही मिक्स हमें लगे हो गया, फिर हमने इसमें और पानी डाला। इस तरीके से हमको इस 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट में लगभग 800 ग्राम पानी डालना है। ये इसका रेशियो है सर। हाँ, और इसको मिक्सिंग करेंगे हम जब थोड़ी देर तक इसमें झाग आ जाते हैं। इसको आने के बाद हमने लगभग 2-3 घंटे स्टेबल होने के लिए छोड़ देना है। ये स्टेबल होने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने 3 घंटे पहले बनाया था और ये इस तरीके का दिखने लगेगा। अब ये जैसा दिख रहा है डिशवॉश जैसा नहीं दिख रहा अभी लोगों को, ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है। अब इसमें थिकनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारा ये 900 ग्राम हो गया था, अब हम 200 ग्राम पानी में अलग से 20 ग्राम नमक, ये नमक की क्वांटिटी क्या होती है थोड़ा सा वेदर पर डिपेंड करती है, अभी 20 ग्राम 25 ग्राम या 30 ग्राम तक जी, ये हमने घोल लेना है अलग से और अपने अनुसार जितनी थिकनेस हम चाहते हैं इसको हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो आप देखेंगे हमारा प्रोडक्ट डिशवॉश जैसा मार्केट में आता है उस तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, थिक हो जाएगा जी। अभी हमने देखा था पानी की तरह पतला था, अब देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हुआ, अभी थोड़ा पानी बचा हुआ है। इस तरीके से पूरा सॉल्ट का वाटर हम इसमें मिक्स करेंगे। ये सॉल्ट कोई स्पेशल सॉल्ट नहीं है, वही सॉल्ट है जो हम लोग घर में खाने के लिए किचन में यूज करते हैं। अब आप इसकी थिकनेस देखिए, ये हमारा डिशवॉश रेडी हो गया। इस तरीके से आप लोग अपने घर में बहुत इजीली हैंड वॉश डिशवॉश हमारे सारे प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। इसकी शाइनिंग देखिए आप, ये किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट से कम नहीं है। इसी तरीके से हम हैंड वॉश भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। ये तो था प्रैक्टिकल छोटे लेवल पे। जब आपको प्रोडक्शन करने के लिए बनाना है तो आपको इनिशियल लेवल पे कोई मशीन नहीं चाहिए। अगर आप 50 किलो बनाना चाहते हैं तो इस तरह के अगर 50 किलो का ड्रम लें और इस एक पाइप प्लास्टिक का बर्तन, हमेशा हमें प्लास्टिक का यूज करना है। इसमें हम डाल के मैनुअली हाथ से बनाकर अपने घर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा हमें करना है, हम अपने ड्रम का साइज बड़ा कर सकते हैं, 100 किलो 200 किलो, इस तरीके से 200 किलो के ड्रम तक हम लोग इजीली मैन्युअली हाथ से बना सकते हैं। और यदि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, हमें लगता है कि साहब हमें 1,000-2,000-5,000 किलो पर डे प्रोडक्शन करना है, तो हम एक इस टाइप की छोटी सी मशीन ले सकते हैं जिसे हम लोग ड्रम स्टायरर बोलते हैं। इसको ड्रम के ऊपर रखकर चला सकते हैं, लेकिन इस मशीन के साथ हमेशा एक रेगुलेटर लेना ना भूलें, क्योंकि हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट स्पीड RPM पर घुमाकर बनाया जाता है। यह RPM मीटर है, इसकी मदद से हम प्रोडक्ट को सेट कर सकते हैं, स्पीड सेट कर सकते हैं। हमें 60 RPM पे घुमाना है, 100 पे घुमाना है, 200 पे घुमाना है। सर अब आप बताएं कि क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, या किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हो सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा होता है शॉप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, या जिसे गुमाश्ता या ट्रेड लाइसेंस भी कहते हैं जी। ये हर शहर में वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम होता है वहाँ से इसको बनवाया जा सकता है। इसकी सरकारी फीस मात्र 300-500 रुपए होती है, स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो हमें ये गुमाश्ता चाहिए। दूसरा हमारा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं उद्योग आधार, उद्यम आधार या MSME रजिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है MSME, इसकी वेबसाइट पे जाकर इससे फ्री ऑफ कॉस्ट खुद रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सिर्फ ईमेल आईडी, आपकी कंपनी का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं,
तीसरा आपका एड्रेस, ये तीन चीज डाल के आप इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपके मेल पे सर्टिफिकेट आ जाता है जिसका प्रिंटआउट निकाल के आप लगा सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी नंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि हम 40 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है हमारे बिजनेस का, तो जीएसटी हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर यदि हमारा व्यापार 40 लाख से कम का है तो हमें ये जरूरी नहीं है, एक ऑप्शनल सर्टिफिकेट है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, ना चाहें अभी अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो बिना इसके काम किया जा सकता है। जब आपका ऐसा लगता है बिजनेस ज्यादा चल रहा है, आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होगा, आप उस दिन जीएसटी नंबर तब भी ले सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट है जो जरूरी नहीं है, एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं आईएसओ सर्टिफाइड। आजकल हम देखते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है एक आईएसओ सर्टिफाइड, तो आईएसओ का सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं जो मात्र 4.5 से 5 हजार रुपए में आसानी से मिल जाता है, आपके शहर में आपको मिल जाए। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग कुछ लोगो यूज कर सकते हैं, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, ये कुछ सरकारी लोगो है जिसका यूज हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट पे किया जा सकता है। इसके अलावा आप बताएं कि किस तरह से हमारे सब्सक्राइबर या जो भी रिक्वायर्ड पर्सन हो जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, आपसे किस तरह से जुड़ सकता है। दोस्तों, जो भी लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा इसलिए क्योंकि हम सभी लोग अपने घरों में हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हर घर में इसका यूज होना है। यदि आप बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप अपने मोहल्ले, अपने घर से शुरुआत करते और अपने आसपास के सिर्फ 100-200 घरों में भी इस प्रोडक्ट को देते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप हमसे कॉन्सेंट्रेट लीजिए, उस कॉन्सेंट्रेट को अभी हमने वीडियो बताया था उस तरीके से डाइल्यूट करें। और जो लोग इसकी डाइल्यूशन प्रोसेस को समझना चाहते हैं, वो कभी भी हमारे यहाँ आकर इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं। आपने कॉन्सेंट्रेट लिया, डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, उसको 10 से 12 घंटे बाद बॉटल लेके, बॉटल में भर के, लेबल लगा के सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बॉटल है, बॉटल कैप है, ये किस तरीके से प्रोवाइड होंगे? हम कॉन्सेंट्रेशन बना देंगे, आपने उसका तरीका सिखा दिया है, बट ये जो पैकेजिंग है ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, बॉटल जैसे हम कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, बॉटल मैन्युफैक्चरर हर शहर में अवेलेबल है, हर शहर में बॉटल मिलती है। यदि आपको उसमें कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क करें। जो बॉटल यहाँ से जा सकती है, अगर यदि आप हमारे यहाँ से 100, 200, 300 किलोमीटर तक दूर है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो हम आपके शहर के बॉटल बनाने वाले या निकटतम शहर के, नियरेस्ट सिटी के बॉटल मैन्युफैक्चरर, कैप मैन्युफैक्चरर के नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, उनसे आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं। एक और बात आती है इसके बाद, लेबल। लेबल में सिर्फ डिजाइनिंग का काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रिंटिंग हर शहर में होती है। नॉर्मल जो ऑफसेट प्रेस मशीन होती है, उस मशीन से प्रिंट होता है। यदि किसी को इसमें भी समस्या है, हम उसमें भी उसको गाइड करेंगे। तो 22-25,000 मेरे ख्याल से इनिशियल कॉस्ट होगी जब आप अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट सर बताएं कि अगर मैं 20,000 अगर इन्वेस्ट करता हूं तो प्रॉफिट मुझे कितना मिल सकता है? आप ये मान के चलिए दोस्तों, इन प्रोडक्ट पे जो मार्जिन है जी, वो अभी किसी भी बिजनेस में नहीं है। जैसे मैंने अभी मेरे हाथ में ये डिश वॉश है, हम जब इस डिश वॉश की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम सभी ने देखा है, विम कंपनी का डिश वॉश लेके आते हैं, आधा लीटर डिश वॉश की कीमत 100 रुपए होती है। हम नए हैं, यदि हम इस 100 रुपए के माल को 60 रुपए में भी बेचते हैं, कितने में बेचते हैं? 60 रुपए में, तो हमारी जो बनाने की कीमत आती है इस बॉटल के साथ, पैक कैप के साथ, मटेरियल की और इसकी, ये लगभग हमारी आती है 20 से 21 रुपए केवल, जिसे अगर हम 60 रुपए में बेचते हैं तो हम 200% मुनाफा कमाते हैं। इतना मुनाफा किसी भी बिजनेस में संभव नहीं है। जैसे हम बात करें टॉयलेट क्लीनर, ये हमारा 20 रुपए लीटर में लगभग रेडी होता है, आधा लीटर 10 रुपए का, 9 रुपए की ये बॉटल, 1 रुपए का स्टीकर, 20 रुपए, 2 रुपए हमने अपनी लेबर चार्ज भी जोड़ लिया, 22 रुपए में रेडी हो गया। मार्केट में इसकी कीमत, या ऑर्गेनिक टॉयलेट क्लीनर, नॉर्मल टॉयलेट क्लीनर की कीमत 80 से 90 रुपए है, ऑर्गेनिक की 140 से 150 रुपए, तो आप हिसाब लगाएं 25 रुपए का माल हम 150 रुपए में खरीद रहे हैं। इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता आज के टाइम में, जब हम लोगों ने लॉकडाउन जैसा इरा भी देखा है।
आज आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं स्वच्छ हर्बल के साथ जुड़कर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, स्वच्छ हर्बल के थ्रू आपको एक प्लेस सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, जिस प्लेस सर्टिफिकेट में स्वच्छ हर्बल का लोगो भी होगा और डॉक्टर अक्षय शर्मा के साइन भी होंगे। जो प्लेस आपको बताएगा कि मैं स्वच्छ हर्बल के साथ जुड़ रहा हूँ और साथ ही हमें किस तरह से अपने आसपास या घर के आसपास या कॉलोनी में स्वच्छता को बनाए रखना है, वो आपको इस सर्टिफिकेट से मिलेगा। और सर्टिफिकेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स को डालकर उस सर्टिफिकेट को गेट कर सकते हैं, डॉक्टर अक्षय शर्मा और उनके इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी थी जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीख सकते हो और इस प्रोडक्ट के साथ जुड़कर अर्न भी कर सकते हो और लोगों को जॉब भी दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इस जर्नी के साथ जुड़ना है, स्वच्छ हर्बल के साथ जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थैंक्स टू डॉक्टर अक्षय शर्मा सर जिन्होंने हमें पूरी गाइडलाइन बताई इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। नमस्कार। नमस्कार।